बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदुस्तान के सबसे अनोखे शो में जिसका नाम है कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती एक बात कहूँ क्या यार, बहुत गलत गलत बोल लिया सबके बारे में यार। दोस्तों मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ ये सही नहीं हो रहा, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना। कृष्णा नहीं भारती नहीं, कहीं तुझे पता चल तो नहीं कि आज तेरे से भी तगड़ा बंदा आ रहा है जो मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ देगा। डरते हैं क्या हम? नहीं डरते, तो बताते हैं कौन आ रहा है। कौन वो देखिए। जॉन शरद और नौरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, आज आप नौरा फतेही कम हरा फतेही ज्यादा लग रही है। ये कहां से आपने पैंट्स कहां से खरीदी, कहां का स्टाइल है ये? ये एक्चुअली बेल बॉटम्स है। अच्छा वो 60 बहुत पुराना स्टाइल। हाँ। अच्छा हाँ पुराना ही होगा, दादी की पैंट पहन कर आएंगे तो पुराना ही स्टाइल होगा। जॉन सर जी जी बोलिए। पीछे क्या छुपा रहे सर आप? जी वैसे हाथ रखा मैं पीछे क्योंकि कृष्णा मेरे सामने खड़ा है ना। हाँ तो कहते कृष्णा की शक्ल देख के मेरा मुक्का निकल जाता है, इसीलिए बेचारे ने हाथ पकड़े हुए पीछे। इनका कोई भरोसा नहीं, टर्न करके ऐसे कर देंगे। वैसे सर आज भी ऐसे जो किया था ना वो स्किन नहीं जा रही दिमाग से सर। मतलब ऐसा मस्त किया, टैन स्किन देखी ना सर, मजा आ गया था। अभी कैसा है सर? देख लो ना। हाय जॉन सर, ऐसे करेंगे भीड़ आ जाएगी। वैसे शरद करेगा कि हाय हेलो। लेकिन ऐसा नहीं है, शरद मेरे बहुत पुराने पार्टनर है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सर? तुम्हारे सामने अच्छा चो की बोलती बंद हो जाती है यार भारती। खैर मैं कहना चाहूंगा द रियल सुपरस्टार जॉन अब्राहम के लिए जोरदार तालियां। मैं सच्ची कहूंगा कि यही रियल सुपरस्टार है, पूछिए क्यों? क्यों आप लोगों ने धूम देखी, शूट आउट एट वडाला देखी, जो बंदा तुषार कपूर और उदय चोपड़ा के साथ सुपरहिट फिल्म दे सकता वही रॉकस्टार है, और कोई है नहीं। अरे नौरा नमस्ते, नहीं, 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 नमस्ते। आज नौरा का चेहरा चेहरा होएगा। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा बेटा हरी चीजें खाओ, हरी चीजें। इनका कमाल है, लोग पेट के लिए काम करते हैं, इनके लिए इनका पेट काम करता है। वो कैसे कैसे नौरा एक बार करके बताइए। अरे ऐसा ही होता है भाई, जब जिंदा कुत्ता खाओ ना तो अंदर हिलता ही है। सर क्या मस्त करती लड़की पेट है ना सर। बहुत एक और फिर से पहली बार देख रहा हूँ मैं। शरद ने मुझे कहा कि पीछे का क्या बोलते हैं उसको? अच्छा ट्वर्किंग। बता दो उनको क्या करते हैं। गाना बजा दो तो गाना बजा दो। बजा बजाइए जी बजाइए, ये इनका स्पेशलिटी है। मैं आपको बताऊं ऐसा हमारे शकील भाई भी करते हैं, जब इनको मैंने खुद देखा। तो भारती जी
सबसे पहले सिंहासन पे किसको भेजा जाए? वैसे तो जॉन सर को बिठाना था, लेकिन डोले वोले देख के भैया मेरे को मरना नहीं है, इसलिए सर आप खूबसूरती के बीच में बैठिए जाकर, और नोरा और शरद काय झाला पेड़ा हुआ था पेड़ा। अरे बेटा आशीर्वाद। नोरा क्या हुआ शरद बाबू? कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। भाई 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 जरा मैं रेडियो की और नोरा चोरा चोरा मतलब आज शरद केलकर का शरद खोलकर होने वाला है। जॉन आज बहुत अच्छे से होने वाली है इनकी। कर लो गिर गिर के हंसना है इनके ऊपर, बहुत जरूरी है। और हाथ कहीं ऐसे मत कर लेना अपने ऊपर, ऐसे इतने बड़े बाइसेप्स रात को प्रॉब्लम नहीं होती, बाय चांस करवट लेते हाथ जब सांस बंद हो जाती होगी। जाना जॉन की तो बॉडी इतनी बड़ी और क्यूट सा फेस, बहुत हैंडसम छोटा सा है ना, मतलब इतनी बड़ी बॉडी पे क्यूट फेस, ऐसा लगता है पहाड़ के बीच में से गिलहरी ऐसे झांक रही है। जॉन वैसे साइज क्या है बाइसेप्स का? जॉन ऐसे करिए ना प्लीज। मतलब यहाँ तो फिर भी इतने नॉर्मल लगते हैं, ऐसे करने के बाद जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। जाना शुरू हुआ था। सर मैं गांव से हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता किधर जाना। क्या करेगा सॉरी सर, कभी कभी ना वीकनेस से पप्पी निकल जाती है मेरी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको क्या सर? नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो शर्म नहीं आती किसी माँ बहन को ऐसे कहती हो किसी की। अच्छा लगा। सर मैंने सुना है कि आप मॉडल भी थे। जी। लोग कहते हैं जो मॉडल होता है ना वो अच्छा एक्टर बन नहीं पाता। हाँ। लेकिन सर आपने इतने सालों बाद आज साबित कर दिया कि वो सही थे। वो गलत है। सर मैं आपकी फिटनेस की बहुत बड़ी फैन हूँ यार। सुबह सुबह दूध अंडे ब्रेड लोगों के घर पहुंचाना सर बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे पता सिर्फ एक्टिंग से बंदा प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, साथ में दूसरा काम भी होना चाहिए है ना सर। खैर लाए भारी। कैसे है शरद? बहुत बढ़िया दीदी। खाना खुना खाया? बस मेहरबानी है। लोग कितना झूठ बोलते हैं, कहते जो बंदा टैलेंटेड नहीं होता उसको दो वक्त का खाना नहीं मिलता, ये कहाँ सिखाया। लेकिन एक बात है सर, मैं रॉकी एंसम के शूट पे आई थी, शरद केलकर ने ऑर्डर दिया ताज से मैरियट से इतना महंगा महंगा खाना इससे थाली पे लगा रहे थे और आपकी वैन की तरफ लेके आ रहे थे, साफ खाना देना है। लेकिन नोरा के लिए भी जोरदार तालियां। नोरा
मुझे पता है किक टू कर रही है ना जी, तो सलमान भाई ने बताया नहीं इस बार किक कहाँ पे, मुंह पे या पीठ पे? लेकिन नहीं सर, मैं मजाक कर रही थी। नोरा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मतलब इमोशनल लड़की है। एक बार हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, नोरा ने देखा एक लड़की ना छोटी बच्ची ऐसे रस्सी पे चल रही थी, इसने गाड़ी रोकी, पर्स खोला, 1000 रुपया उस बच्ची को दे दिया। मैं रोने लगी, मैं कह नोरा आप इतनी इमोशनल है। कहती नहीं बचपन में मैं भी यही करती थी। नोरा हाथी मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करने का है? मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ यस, जोरदार तालियां। मैं अकेली करूंगी यार, मेरा एक्ट भी अच्छा हुआ करेगा। मैं आज के एपिसोड की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरे क्या हो गया तेरे को? मैंने कल क्या कहा था डायरेक्टर को, मेरा मेकअप वाला यहाँ बैठेगा कहीं तो बैठेगा। कह रहे नहीं इज्जत की बात है जी, एक लेवल पे नहीं बैठ सकते, तो आज क्या हुआ है? अरे वो शरद है। तो मैं शरद की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते जो आर्टिस्ट रहते उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कर रही है तू? अरे किसको बोल के किसको सुना रहा है तू है? शरद मेरा दोस्त है यार, कुछ मत बोलना उसके बारे में। ओ मेरा भी दोस्त है, तेरे को पता है कितना बड़ा कॉमेडियन है? कॉमेडियन तो है, सही बोला। अभी बाहर सबको कह रहा था हाय आई एम शरद केलकर एक्टर, लोग कहते हाय एक्टर। अरे ऐसे कर कर के सर बेहोश हो गए कितने लोग। क्यों? अरे यही तो इसका धंधा है, अपने आप को एक्टर बोलता है, लोग हंस हंस के बेहोश होते, पर्स निकाल के निकल जाता है। तेरे को पता है कमाल का एक्टर है, वन टेक आर्टिस्ट। क्या बात है, और पासिंग शॉट में कौन सा रीटेक होता है सर? लेकिन ये बात है, शरद केरकर क्रिकेट बहुत मस्त खेलते हैं, जोरदार तालियां। बहुत। एक बार मैं इनका मैच देखने गई, मैच शुरू होने वाला था, शरद ग्राउंड के 20 चक्कर काट रहे थे। मैंने रोका, मैं कहा भाई 20 हो गए, मैं कहा मैच से पहले इतनी एक्सरसाइज? कहते नहीं कल 5 रुपए गिरे थे, मिल नहीं रहे। अरे पर तुम्हें पता है शरद दिल का बहुत अच्छा, लेकिन पूरा घर बेचारे का खाली सर। एक कोने पे लिखा था यहाँ टीवी होगा, दूसरे कोने पे यहाँ फ्रिज होगा, छत पे लिखा था देखो पंखा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, और हद तो तब भाई जो खुजाने के लिए टी शर्ट ऐसे की ना, तो गले पे लिखा था एक दिन सोने की चैन पहनूंगा। यार जस्ट बिकॉज़ वो यहाँ बैठा हुआ है तू उन्हीं से बात कर रही है, जॉन सर आए हैं, कौन बात करेगा? पप्पियां कर ली है, बात नहीं करेगी तू? सर मैं बातों बातों में भूल ही गई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैंने आपकी नो स्मोकिंग सर हाय हाय रोज देखती हूँ रात को मैं। इतनी बड़ी फैन है तू? नहीं डॉक्टर ने कहा पूरी नींद लेनी है। अरे जैसे फिल्म लगाओ इससे खराटे आते हैं ना, सुबह फ्रेश उठती हूँ मैं। क्या बोले यार ये नींद आती है, कितने अच्छे आदमी, देख स्माइल देख, डिंपल देख, सर एक बार इधर दिखा दो डिंपल इसको। आए, आए, आए। ए बंदे ने पहले सोचा हुआ था, कहता इस डिंपल के साथ हीरो बन गया तो ठीक है, वरना प्रीति जंटा बन के फिल्में करूंगा। हाय शरद लल्ले, आपने ना बेटा तेरी फिल्म देख के मैं गई थी संजय लीला बंसाली के बाद, मैं क्या सर आपने इनको रामलीला में लिया था, ये बाजीराव में क्यों नहीं लिया? कहते ऑलरेडी मैं बहुत सारे घोड़े कास्ट कर चुका था। क्या? नोरा। हाँ। यार ये देख। नोरा मुझे ना सबसे ज्यादा टैलेंटेड, खूबसूरत, सुपर एक्टिंग, मतलब बहुत बढ़िया लड़की है। बहुत बढ़िया है बॉस, ना भी दिखा के बॉलीवुड की चाबी ले ली है इसने। हाँ, ऐसा वो, वो करके तो इतनी फिल्में ले ली यार। सर मैंने भी ऐसा ना भी दिखा के ऐसे 3-4 भैया के बीड़ी बुझा के चले गए। वैसे सर मैंने आपकी वो भी फिल्म देखी थी जिसमें गाना था ना मैं बंटी हुई तू बबली हुआ बंद कमरे में 2020 हुआ, बस सर फिल्म का कलेक्शन भी 2020 था। है ना सर? 21 था। अरे वाह ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा डोला पड़ेगा ना, उड़ के गिरेगी। मैं प्यार करती हूँ उनसे। और कैसा लगा हमारा मेवाड़ का 5 रुपए का फलूदा? कैसी लग रही ना? और भैया आपकी दाबेले की दुकान कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। बस भैया क्या कहना चाहेंगे शरद? मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सिर्फ इतना ही बोला मेरे बारे में इन लोगों ने। जॉन क्या कहना चाहेंगे वैसे? बहुत मजा आ रहा है, लेकिन नूरा के बारे में या शरद के बारे में कुछ बोलूं मैं? हाँ प्लीज। अरे नूरा के लिए तालिया, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है, मोरक्को की है, राइट? मैं अरबी हूँ। हाँ। And she speaks Hindi so beautifully. Then, के लिए तालियाँ। हाँ, thank you.
आप अरबी हैं? क्या बात है, आपके पास अरबी है, हमारे पास चर्बी है। वाह वाह, ये मेरे को बॉडी का जॉन समझ नहीं आया, बताइए जरा। जैसे इनकी बॉडी है देखो, ये तेरी नसें निकली हुई इतनी सारी, मतलब तू क्या नसों पे छोटे छोटे डंबल रखता है क्या, ऐसे तो बाहर आते जा रहे हैं ऐसे, ये क्या है? अगर ये सवाल ऐसा आदमी पूछे ना तो समझ आता है, जब ये सवाल ऐसा आदमी पूछता है तो समझ नहीं आता। ठीक है, ये पता चलता है देखो कि नस नस में इस आदमी की एक्टिंग बिल्कुल नहीं है, दिखाता भी है। जोरदार तालियां भारती और करण के लिए। थैंक यू। जॉन सर, आपको पता है ना, आपको हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की लड़कियां आप पे मरती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियां आज सिर्फ मुझसे जलें। आइए ना सर इधर जरा। आया मैं। बात है जॉन, ऐसा लग रहा था जैसे जॉन साउथ अफ्रीका के जू में हाथी के बच्चे के साथ खेल रहा। थैंक यू कृष्णा, तुमने एक और पप्पी दिलवा दी। आपने इतने प्यार से किया है ना, बच्चा जाग गया अंदर। कहते मम्मा पापा आ गए, बच्चा जाग गया। थैंक यू सो मच सर, एक पप्पी और हो जाए। जोरदार तालियां जॉन के लिए। अब ये सेम गाना मैं नूरा के साथ करना चाहता हूं। ये लेकिन कृष्णा एक मिनट। हाँ, आज आप सीधा जेब में हाथ डाल के खड़े रहोगे, नोरा आपके साथ मस्ती करेगी। चलिए जेब में हाथ डालिए। नोरा, आपने कृष्णा को मजबूर करना कि वो जेब से हाथ निकाल के आपको पकड़ ले, ठीक है? चलिए स्टार्ट। जेब से हाथ निकाला, मेरी बारी आई, गाना बंद कर दिया। चलिए एक बार जोरदार तालियां नोरा के लिए। जोरदार तालियां। आप फिकर मत करो सर, आपका भी ऐसा मोमेंट होगा, आपके साथ ये वाला डांस हम शकील भाई के साथ करवाएंगे आपका। हम चाहते हैं आप बेहोश होके जाए। चलिए नोरा, हम आपको थोड़ा सांस लेने का मौका देते हैं, तो आप इधर आ जाइए, और जॉन सर आप आ जाइए सिंहासन पे। हाय
अब ऐसा लग रहा है कि एक सुपरस्टार के साथ उनके बॉडीगार्ड बैठे हैं। ये भी ना लड़का पागल है, तुमको सुपरस्टार बोला, उनको बॉडीगार्ड बोला। बंदे को अंदर से पता होता है मैं क्या हूँ। जॉन सर, आपको पता है जब बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं, तो अपने साथ बॉडीगार्ड रख लेते हैं। वैसे ही हमारी पूजा ने अपने साथ बॉडीगार्ड रख लिया है। और पूजा सर, ओए होए होए, आज जैसे ही आएगी ना, इतनी हॉट है, इतनी हॉट है कि आप टी शर्ट उतारने में मजबूर हो जाओ। और टी शर्ट उतार के ऐसे कर लोगे, बदबू आ रही है। क्योंकि साथ में सर श्रुति भी आ रही है। सो प्लीज वेलकम श्रुति, पूजा और शकील। हेलो हेलो, अबे हिल क्यों रही है, बोलना। बेगम कहाँ से बोल रही हो? थाने से। पहले तो मुंह से बोलती थी तुम। अच्छा पकड़ी गई हो जुआ खेलते हुए। मनहूस औरत, तुझे कितनी दफा कहा है पुलिस वालों के साथ बैठ के खेला कर, इस तरह से कानून के दायरे में सारे काम होते हैं। जाओ मैंने तुम्हें फिर छोड़ा बेगम, कोई अच्छा साल पुलिस देख के ना भाग जाओ उसके साथ, जाओ दफा हो जाओ। मनहूस। अरे जॉन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक। मुबारक हो आपको, आपने पूरा शकील देख लिया आज। टेंशन मत लेना कि मैं आपको भूल जाऊंगा, वैसे मुझे भूलने की बीमारी है, मैं कई जगह बच्चे देके भूल गया हूँ। वो तो कोई बच्चा मुझे पापा बोलता बताओ, मैंने ये भी मैंने दिया। आप कैसी है नूरा? मेरा क्या बात है नूरा, कंफ्यूज है, पैंट सिलाते सिलाते नीचे से गरारा सिला लिया। क्या बात है, ऐसा है सर। सर मैं हूँ बॉडी गार्ड, मुझ पे एक एहसान करना, टूटे चप्पल पुराने कपड़े मुझे ही देना। मैं एक एजेंसी में बॉडी गार्ड हूँ, एक औरत की बॉडी को गार्ड करना, वो मेरी मालकिन उसको लेके आ रही है, दुआ करो कोई अच्छा पीस हो। आइए मैडम आइए, मैं आपको एक ऐसा बॉडीगार्ड दिखाऊंगी कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। वो री लिखा है वो। ये रहे। ओ गॉड, आंखें क्या चुंधिया जाएंगी, ये तो पूरे के पूरे ही चुंधिया गए हैं। ये बॉडी, ओ माय गॉड, जॉन शरद हाय, मुझे तो यही दोनों बॉडीगार्ड चाहिए। मैडम ये दोनों हमारे गेस्ट हैं, बॉडीगार्ड ये हैं। यस। क्रिकेट गार्ड जैसी शक्ल लेके ये बॉडीगार्ड बनने चला है। तूने अपना मुंह देखा, फीके शलजम जैसा तेरा मुंह है। मटन के साथ पकाओ, मटन निकल के भागता, मैं नहीं भाग रहा इसके साथ। तो ऐसे औरतें होती हैं, 5-5 रुपए बच्चों को देके कहती गंदी बातें सुना, गंदी बातें। मेरी इंसल्ट, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था, मेरी इंसल्ट। तुझे पता है किस लिए बुलाते हैं हम तुझे यहाँ पे? मुझे बुलाया, हल्का सा ग्लैमर इसलिए बुलाते हैं। You know, मुझसे सिर्फ बात ही नहीं करनी है। You know what, मुझे रॉकी हैंसम जैसा ही बॉडीगार्ड चाहिए। तुमने देखा ना, उन्होंने बच्चियों को कितने अच्छे से बचाया है। हाँ, तो इस बात के करोड़ों रुपए लिए उसने। वैसे ये गार्ड क्यों रखना चाहती है? अरे देखो ना, पिछले दो एपिसोड में ना इसके एक दो पंचेस पे लोगों को हंसी आ गई थी, तो अब ऑडियंस इसे ढूंढ कर मारना चाहती है कि तुम वो सब क्यों कर रही हो जो हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते। टांगे दिखाओ, 100 रुपए लो, घर जाओ। आप बनना चाहते हो मेरे बॉडीगार्ड? हाँ, मैं मुझे ही रख लो इसके लिए। हाँ। मैं ही सूट करता हूँ तुझे। आप सच में बॉडीगार्ड? नहीं, मैं बॉडी, मैं तेरा पति हूँ, यकीन कर ले। अबे नजर नहीं आ रहा कितने देर से सांस रोक के ऊपर खड़ा कर खड़ा हूँ, मैं ही तेरा बॉडीगार्ड हूँ, मैं क्या खून देने आया हूँ? भाई साहब, आपके पास खून होगा तो आप देंगे ना। पता है कल इन्हें एक मच्छर काटने गया था, खून तो मिला नहीं, पर इनकी हड्डियों की वजह से बेचारे का डंग टूट गया। वही मच्छर इसके पास आया हूँ, उसको देख के मम्मी तू। शरद की बात करना, वो क्या आम लेने आया यहाँ पे? शरद की क्या बात करोगे बताओ? शरद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है यार। अच्छा, बहुत। अब बुजुर्गों से बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? बोलिए बोलिए, बकवास बंद कर रहे। हाँ भाई बुजुर्ग, इतने दिनों से इंडस्ट्री में हो, कैसा लगता है बगैर फैन के घूमना? बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो ऑटोग्राफ वाले फैन की बात है, वो तो है ही नहीं। खैर, वो जो घर पे छत पे पंखा नहीं है, गर्मी में कैसे सोता है यार तू? तुम बॉडीगार्ड होकर उनसे ऐसे बात कर रहे हो? बड़ा आदमी होता उसको मुंह लगाता मैं। एक बात बता शरद,
तेरा दिल भी काम करता है, तेरा फेफड़ा भी काम करता है, तेरी आंखें भी काम करती है, तेरा दिमाग भी, तू क्यों नहीं करता बे काम? नहीं नहीं, आप लोग प्लीज उठने की तकलीफ मत लीजिए, हम लोग पास में इस जोक के लिए हम ही ने थप्पड़ मार लेते हैं। तुम जॉन की पिक्चर के हीरो के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? उनका जिस्म ही देखा तुमने? मैंने देखा जिस्म, पार्ट वन भी देखा, पार्ट टू भी देखा। तो मैं अपने घर गया, मैंने अपना जिस्म देखा, नफरत हो गई मुझे। वैसे रॉकी हैंडसम से मुझे याद है, जॉन आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मतलब नाम रॉकी हैंडसम रखने की क्या जरूरत थी, लोग जानते हैं आप हैंडसम हैं। आप खाली रॉकी रखते, सब कहते हैं हैंडसम। ये पूरे एक्ट में इन्होंने बिल्कुल सही बात, एक ही बात बोली है। बाकी तो तूने की ना सारी यहां। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पता है इन पे कोई फिल्म बने ना शकील भाई पे, तो क्या रहेगा टाइटल? शकील मनहूस। नहीं एक्चुअली मनहूस की जरूरत नहीं है, शकल शकील की लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा मुझे मनहूस कह रही है, मुझे देख के तुझे तलाक हुई है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बंदूक कहाँ है? बंदूक मतलब बेच के मैंने मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल? हेलो हेलो, जोरदार तालियां हो जाए शकील, श्रुति और पूजा के लिए। और उससे ज्यादा तालियां हमारे शो पे पहली बार श्रुति ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जोरदार तालियां श्रुति के लिए। कैसी लग रही नोरा? बहुत अच्छा है। बहुत सालों बाद जब आदमी वैक्स कराता है तो अच्छा लगता है। इसने कसम खाई थी, कृष्णा मैं उस दिन शॉर्ट स्कर्ट पहनूंगी जब मेरी पैरों की झुर्रियों की मैं इस्त्री करा लूंगी। जो स्त्री करता उसी को पता होगा भैया। देखो कैसा आदमी है, चश्मा पहना, चश्मे को पी लिया हो गया। देखो अच्छा खासा जा रहा होता हूँ, लेकिन ये गोविंदा की फटी हुई चड्डी पीछे पड़ जाती है मेरे। जॉन सर, सारी दुनिया जानना चाहती है, आप बताइए, सच्ची बताना, आप जिम में कितना टाइम रहते हैं? मतलब दिन में एक दो घंटे। एक दो घंटे में इतना? मतलब दिन में एक दो घंटे काम करते हैं, बाकी 22 घंटे जिम में, ऐसा? नहीं, दिन में एक दो घंटे मतलब कंटिन्यूअसली, कोई ब्रेक डे नहीं होता है मेरा। अच्छा सर सोचिए, आप जिम इंस्ट्रक्टर हो और ये सुंदर हॉट लड़की आपके पास पतली होने आए, तो आप क्या कहेंगे? वाहनी इधर आके बताइए ना क्या कहेंगे। एक बार जोरदार तालियां जॉन के लिए। आज जॉन इब्राहिम ट्रेन करेंगे भारती सिंह को, मैंने पर्सनल ट्रेनर रखे हुए हैं। मंगाए सर सामान जिम का? लाओ भाई जिम का सामान लाओ। चलिए भैया, आप रिक्शा यहीं पे रखना, मैं जिम से होकर आई। हाँ ठीक है ठीक है। हाय हाय, माय नेम इज जूली। हाँ जूली, मैं पतली होना चाहती हूँ। पहले आपको नहीं, टांगे नहीं, पेट पतला करना। वही देख रहा हूँ ना मैं। पहले तो आपको भागना पड़ेगा। क्यों, यहाँ रेट पड़ती है? अच्छा एक बहुत आसान चीज है, वो तो करिए आप। जी सर। सूर्य नमस्कार। अरे सर जितना बोलो कर दूंगी, जा जा जा। क्या बताऊं तुम्हें भारती, ठीक है अभी यहाँ पे सो जाओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। नहीं मैं सोऊं और आप कुछ दिखाओ, ये क्या हुआ? इससे मैं कैसे पतली होंगी सर? इससे तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगी खुशी के मारे। आप ट्राई तो करो, मैं दिखाता हूँ। मुझे गदगदी आती है सर। ओके? हाँ सर। यहाँ तो पर रखे हैं सर। सर ऐसा लग ही नहीं रहा जिम में, ऐसा लगा डेंटिस्ट के पास आई हूँ। मुझे सर आपसे वो सूर्य नमस्कार सीखने हैं। ठीक है तो आप ऐसे करिए। या नॉर्मल आप डंस कीजिए, डंड डंड जिसे बोलते हो ना, डंड। हाँ जी। तो पूरा सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे आइए, ये ऐसे
सर एक मिनट, मेरे साथ ना रिक्शा वाले भैया भी आए हैं, तो उनको भी ले आओ। भैया भैया आना जरा। हट तेरी भैंसिया का पूछ, मैं हमारी रिक्शा तोड़ दी भैंसिया ने, हट तेरी। क्या है? नहीं नहीं भैया, वो मेरी वजह से नहीं। अरे जॉन इब्राहिम बहुत बड़ा फैन है हम। ए, ए, भाई बहुत बड़ा फैन है, क्या कर रहे हैं? ये आपको सूर्य नमस्कार करना सिखाएंगे हमको। अच्छा आप करो ना भैया, पहले करेंगे सूर्य नमस्कार, मतलब सिंपल जो डंड होता है ना वो करके दिखाए। ये ऐसे जॉन सर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वी आर रिच फैमिली ना, तो हमने लोग रखे होते हैं। क्या करना है? जी सर हाँ, ऐसे हाथ रखे आप। हाँ हो गया, ठीक है। हाँ और ऐसे और ऐसे कीजिए आप। हाँ और फिर ऐसे। हाँ चलो उठो, चलो। अरे क्या कर रही है रे? क्या कर रही है? क्या तो फंसा के ऊपर बैठेगी हमरे ऊपर? हम कर रहे हैं दंड पेल रहे हैं हम। लो अभी ऊपर देखिए आप, जब आप ऐसे आते हो ना। हाँ अच्छा, ऊपर काय देखे, नीचे तो गिर गए। तो हमारी माँ हमेशा कहती है नीचे देख कर चलो, अगर जिंदगी में ऊपर जाना है तो। अब कुछ और करवाइए। अच्छा ये जो हीरो लोग के जो एब्स होते हैं ना। हाँ मैं वो दिखाता हूँ करने के। ये आ जाओ इधर, सो जाओ कृष्णा, वैसे सो जाओ। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा दोस्ताना टू अभी नहीं बन रही है। हाँ ऐसे सो जाओ। हम देखे थे अभिषेक बच्चन के साथ क्या क्या किए आप। ऊपर आए? हाँ ऊपर आए अभी। ऊपर कैसे आएंगे? मेरी तरफ शाबाश। हाँ एक और, एक और, एक और, शाबाश। ओके एक बात बतावा जी, ये ऐप करवा रहे पिछले जन्म का बदला लिया हमको मारना? हाँ हाँ ऐसे थोड़ी होता है सर। आप करो मैं बैठती हूँ, देखना फटाफट करेंगे। हाँ देख लो। हाँ जी सर चलिए। हाँ ऐसे हाथ ऐसे रखूं? हाँ हाँ चल बैठ और कर, और कर। क्या बात है, अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां जॉन के लिए। शरद आप इधर आ जाइए। अरे कितना खुश हो गया, इतना कभी फिल्म रिलीज हुई तब नहीं खुश हुए। जॉन सर हमने तो जिम कर लिया, आपको पता है एक बड़ी हॉट इंस्ट्रक्टर है, उसके पास कौन आया जिम करने? एक टपोरी। प्लीज वेलकम अनीता और मुबीन। हेलो। हाँ अरे बोलना, बराबर से बम फट किया ना? हाँ तो अभी काम की बात सुन, अगली बार लोटा लेके पटरी पे बैठने का नहीं, नहीं तो फिर बम कट जाएगा। बात करते क्या भाई लोग, कैसे जॉन भाई कैसे आप? ठीक हूँ मैं। शरद भाई कैसे आप? नूरा जी कौन है आप? पता नहीं। अरे लेकिन कुछ भी बोलो जॉन भाई, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मेरे को आपकी सारी फिल्में पसंद है। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद फिल्म आई जो है वो है दोस्ताना। क्या काम किया था बच्चन साहब ने और शत्रु जी ने। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आ, भशम, आ, भशम, आ, भशम। क्या मैडम गुंडे पीछे लगे ले क्या? हाँ हाँ फिर तो आप बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि उनका सरदार मई चे। और कहाँ कहाँ से लोग जिम में आ जाते हैं, तुम कौन हो? आपने मेरे को नहीं पहचाना? नहीं। अरे कमाल है, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। वैसे हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते, चलो ना छोटा सा हनीमून मना लेते। ख्यालात मिलते हनीमून मनाते? हेलो हनीमून के लिए ना शादीशुदा होना चाहिए। वो ऐसा है क्या? I'm sorry, sorry, तपलीक दी आपको, sorry मैडम। वैसे आप सिंगल है या शादीशुदा? शादीशुदा। मैं भी शादीशुदा, आप तो मना सकते।
ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? और पहले ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? अरे मैडम मेरे को ना जिम ज्वाइंट करने का है। पर ये सेलिब्रिटी का जिम है, प्लीज तुम्हें यहाँ पर मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सेलिब्रिटी का जिम है मतलब आज तक शरद आया नहीं इधर। विजय नूरा जी आप अनमेरिड है या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, अनमेरिड है। अच्छा मैं सिंगल हूँ। हाँ सिंगल है, उन्होंने डिसाइड किया है जब तक इनका करियर नहीं बन जाता ना वो शादी नहीं करेंगी। इतना लेट शादी करेंगी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नौरा के बारे में, शरद के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। जॉन सर की बॉडी देखिए, अभी उठ के ना एक पंच मारेंगे। अरे नहीं नहीं, अपने उस्ताद है वो, अपने उस्ताद अपने को काय को मारेंगे? अपन ने भाईगी भी नहीं से सीखे लिए, मिमिक्री भी नहीं से सीखे लिए। सीखे मिमिक्री? अरे ये बहुत कमाल की मिमिक्री करते, तेरे को मालूम नहीं है? अरे इनसे ही सीख के मैंने इन्हीं की फिल्म की डबिंग किया है, अभी दिखाता हूँ इधर। बताइए सर कैसा लगा आपको एक्ट? बहुत मजा आया, अनबिलीवेबल। जो आपने जो डबिंग की है, मतलब नाना सर, अनिल सर और मुझे 6 महीने लगे इसको करने में। आपने तो मतलब एक हफ्ते, एक रात में ही किए सब कुछ, राइट? राइट, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और वो संजय दत्त की जो मिमिक्री की ना तेजी में अभी तो मुझे क्या, बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग। और वो बहुत अच्छा था सर, आप मान गए थे? हाँ मैंने पता। सर जो मुबीन ने आपकी आवाज निकाली, कैसी वाली आवाज थी? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ लिपसिंग करो, ये आपकी आवाज निकाले यही वाली। लाइव डब स्मैश होगा, एक बार जोरदार तालियां जॉन सर के लिए सर प्लीज। यस सर, रॉकी हैंडसम का कोई गुस्से वाला डायलॉग जो सिर्फ आप माइम करोगे, मुबीन जी आवाज देंगे उसे। एक्शन। आगे भी आता करने वाला जब कल का माता है, आज की याद करने वाला जब आज माता है, वो भी अभी नहीं, अभी सर संजू दत्त की करके बताइए सर, हमको पता लगा है आप बहुत अच्छी संजू बाबा करते हैं। संजू बाबा बहुत बढ़िया करते हैं संजू बाबा। नहीं नहीं, मैं तो संजू के साथ मैंने शूटिंग किया था जिंदा में, संजू आए थे सेट पे और उनका एक डायलॉग था। हाँ संजू सर सेट पे आए थे तो उनका डायलॉग था, मैं आधा पारसी हूँ तो मुझे बोलते हैं कि केम छे बाबा मजामा छे सु आजे। अच्छी ऑन सेट पे आके मतलब उनका डायलॉग था, 14 साल मुझे झानू में रखा, 14 साल मुझे झानू में रखा, ऐसे मतलब उनका एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आई थिंक संजू नाना सर इन सबको मैं काफ़ी, इनके साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, तो नाना सर के साथ मैंने भी मतलब वो एक दिन वो लाइटिंग चल रहा था स्टूडियो के अंदर और वो गुस्से में मुझे बोले कि ये मेरी लाइटिंग हो रही है कि शादी की लाइटिंग हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग कॉमेडी करते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो इम्प्रॉम्प्टू आप लोग ये सब करते हो, आई थिंक ईच वन ऑफ यू आउट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जॉन सर, जब रॉकी हैंडसम बनने वाली थी आपको पता क्या क्या बातें हुई थी, कौन होगा, कैसा करेंगे, जॉन क्या क्या करेगा, वो बच्ची क्या करेगी, सब बहुत सारी बातें हुई थी जो आपको सिर्फ पता है, वो बातें आज खुल के बाहर आ रही हैं और वही बातें बताने आ रहे कृष्णा, सुदेश और सर, हमारे शो की सबसे हॉट लड़की अदा।
क्या बात है। एक्ट शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, मैंने गोली माली, वाह क्या रिएक्शन दिया तूने भगौड़े इधर आ। ये देखिए सॉस लगा के आया यहाँ पे। मेरा तो ठीक है, मैं जॉन बनाऊ, मैं कम एक्सप्रेशन दे रहा था, तू साउथ का रजा मुराद की तरह क्यों रिएक्शन दिया? है? है? कैसे कैसे रिएक्शन दिया इसका? रिएक्शन देखो, मुंह देखो, वापस करना, ऐसा लगता है किसी पागल कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपका नाम क्या है? राज। राज, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे सुअर घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तुम राज नहीं अपना राम रखो, खाज। खाज, खुजली, पाइल्स, ऐसे सब रखो। आते हैं रॉकी हैंडसम पे। रॉकी हैंडसम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जॉन का मैं सच में बड़ा फैन हूं, ऐसे नहीं कि सामने बैठे हैं। हाँ वो बॉडी है ना, इसे डर लगता है, इसलिए कहना पड़ता है। कोई भरोसा नहीं आदमी कब उठ के मारेगा। खैर इनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, इतना शौक है कि फिल्मों में बॉडी दिखा दिखा के इन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। क्या बात। जॉन का और आमिर खान का एकदम सेम सिस्टम। जॉन भी साल में एक फिल्म करते हैं, आमिर खान भी साल में एक ही हिट फिल्म करते हैं। और हमारे शरद केलकर 3 साल में एक फिल्म करते हैं अगर मिल जाए तो। और जॉन मैं एक बात बताऊं, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि आपने कई सारी हिट फिल्में दी हैं, बीच बीच में एक कौन सी पिक्चर रहती है, आई मी और मैं। परफेक्ट टाइटल था जॉन। हाँ। जब मैं थिएटर में गया ना, आई मी और मैं ही था और कोई था ही नहीं। नूर फतेही, नूर फतेही के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब आप ऐसा करती है ना पेट पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। सच्ची बोलूं, मुंह पे भी लाओ, बहुत बढ़िया होगा। इनका कमाल का सिस्टम है, ये सबसे पहले मोरक्को गई, मोरक्को से कनाडा आई, फिर इंडिया आई, अब भूटान कब जा रही हैं? नहीं, मेरा मतलब भाई बिग बॉस भी हो गया, आइटम सॉन्ग भी हो गया, अब तो भूटान जाना। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से अब नेपाल जाइए, पता है क्यों? कितना पैसा आपने कमाया ना, वहां जाके डबल हो जाएगा। शरद केलकर के लिए हमारे भाई जोरदार तालियां। शरद केलकर क्रिकेट खेलते हैं, जिम जाते हैं, घर के भी काम करते हैं। मैंने एक दिन पूछा, भैया आप एक्टिंग कब करते हो? तो मेरे पे भड़क गए, बोले तू मेरे को बोल रहा है, तूने लय भारी नहीं देखी, तूने तूने रामलीला नहीं देखी? मैंने कहा देखी है, इसलिए पूछ रहा, एक्टिंग कब करते हो? खैर बहुत कृष्णा, अब मैं जॉन इब्राहिम बना हूं। बाहर नहीं, कैसे आता है? मैं आया हूं, अभी डायरेक्टर आने वाले हैं फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए। रॉकी हैंडसम। यस, एक मिनट। हाँ बेटा मैं सेट पे हूं। हाँ यार देखो, जॉन की अपनी वेंटी वैन है, कोई पंगा नहीं। हाँ शरद केलकर की वेंटी वैन सबसे अच्छी होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर इस बार अच्छी नहीं हुई तो शरद को बोल दो अगली बार हम किसी और से मंगवा लेंगे। हाँ ओके। हेलो, व्हाट योर नेम? ओ हाय, आई एम एक्टर जॉन इब्राहिम। ओ कहाँ से? कहाँ से? आई एम सॉरी, मैंने डोले देखे नहीं है। आई एम सॉरी। तो पहले क्यों नहीं पहचाना? नहीं आपने कंफ्यूज कर दिया, एक्टर। एक मिनट, आपको बोलना चाहिए सुपरस्टार जॉन इब्राहिम। ऐसे वैसे आपको बताऊं, आप लगते नहीं। एक मिनट आपको मैं लगवाता हूं, इधर आओ। लगते नहीं जॉन इब्राहिम, अभी लगेंगे। हाँ ये थोड़ी हवा। वैसे बहुत खुशी हुई, मैं डायरेक्टर कुदुराम और मैं यहाँ पे फिल्म बना रहा हूँ एक। अच्छा। हाँ, मुझे आप मिल गए, आप मेरी फिल्म सुपर हिट है। थैंक यू सर। हाँ तो आप मेरा काम कर सके, शाहरुख खान का नंबर देंगे?
What the duck is this? शाहरुख खान का नंबर देंगे, अक्षय का नंबर लीजिए, हाँ वो मुझे 10% भी देता है। माय जॉक, आपने मुझे हंसा दिया। जॉनी लीवर भी कैंसल, कॉमेडी भी आप करेंगे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। मजा आ रहा, थकावट हो गई। अच्छा थक गए हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये थक गए हैं, देखिए ना। देखिए क्या हाल हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया। हमें कहां थकावट होती है। एक मिनट जॉन साहब, देखिए फिल्म में सब कुछ चलता है, एक्टिंग ये वो, तो अभी आप जल्दी ना थके, क्योंकि मेरी फिल्म में आपने एक्सप्रेशन भी देने इस बार। अरे एक्सप्रेशन का तो मैं बाप हूँ। एक बार थोड़ा सैंपल हो जाए। ये क्या है? ये देखिए मैं उदास हूँ। वेरी गुड। दूसरा ये देखिए। ये क्या है? मैं खुश हूँ। और ये देखिए। ये क्या है? मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। सर ये जस्ट किडिंग हो रही है, सारा एक जैसे तो कर रहे हैं आप। हाँ तो टेक में करूंगा तेरे लिए, अभी थोड़ी करूंगा मैं, टेक में करूंगा मैं। बात करता है सर। सर देखिए सर, मैं आपका जितना बड़ा फैन हूँ ये सब जानते हैं, इसलिए मैं आपको ले रहा हूँ। अच्छा। अरे मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। अच्छा कौन? आशाएं, नो स्मोकिंग, पाप, बहुत सारी फिल्में देखी आप। इन सब फिल्मों में तो मैं था ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सर, आपने की है? नहीं मैंने कहा की। अच्छा देखो मैंने सबूत भी रखा है। ये देखिए सर पोस्टर मेरे पास सारे आपके फिल्में की है, ये देखो। नहीं ये फोटोशॉप करके लगाया, मैं था ही नहीं ये फिल्मों में। कोई बात नहीं, मैं सबूत सर रखता हूँ, ये देखो ये आपके। अरे मैंने नहीं की सर। अच्छा? मैंने नहीं की ये सब फिल्में, मेरे को क्यों बोलते हो? सर सर मैंने नहीं की ये सब फिल्में। आपने ये शत्रुघ्न सेना है बस, ये किसी और की फिल्म है। खुश आ जा, उठो उठो उठो, चलो अपना काम करो। सर रोना नहीं, देखो मेरी फिल्म में आपने काम करना है। आप कहानी सुनाओ। कहानी आपने एक बच्ची की जान बचानी। अच्छा फिल्म में भी बाउंसर का रोल दे रहे हो तुम। हेलो एक बार आप उस बच्ची को मिलने, फिर आप फिल्म के लिए हाँ कर देंगे। अच्छा बुलाओ। बुलाइए। नियोमी। बच्ची कहां से लग रही है, किस एंगल से? नहीं लग रही, अभी लगेगी। बेटा हंस के दिखाओ, ये देखो। आपने इसी लड़की की जान बचानी है। इसको तो मन कर रहा थप्पड़ खींच के मारे। क्या बात कर रहे हैं आप? आप इस वक्त जॉन इब्राहिम है, कृष्णा मत बनो अपने करेक्टर में। मैं भी अपने करेक्टर से बाहर आ गया तो मेरा भी दिल करता मार दूं, पर मैं इस वक्त डायरेक्टर हूं। सर पता है सर, आपको सब हैंडसम कहते हैं। पता है तेरे को क्या कहते हैं? एक भी कैरेक्टर ढंग से नहीं करती तू। सॉरी। क्या हुआ नियोमी? व्हाट हैपेंड नियोमी? अच्छा मेरा पर्स चुरा के भागी है? नहीं सर, मैंने पर्स नहीं चुराया सर, मैंने पर्स नहीं चुराया। मैंने चुराया सर। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? उसको देखकर इतना घबराई क्यों? वो सर मैंने ना उनकी पिक्चर देखी थी, उनकी एक्टिंग याद आ गई सर। अरे ये पागल है तू? कमीज से पेश आइए आप लोग। व्हाट द हेल इज दिस? हां बेचारे एक आम आदमी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? स्टोरी हाँ स्टोरी सुनाइए आप। हाँ स्टोरी ये है कि आप एक बच्ची की जान बचाते हैं। अच्छा फिर? बस जान बचानी बस। बस क्या ये क्या कहानी? डिटेल में सुनाइए कहानी आप। ओके डिटेल में। ऐसे कैमरा ओपन होता है, फिर मैं लेंस साफ करता हूँ, फिर मैं चाय पी रहा हूँ। अबे इतनी डिटेल में नहीं बस। आप अपनी कहानी सुनाइए। ओके पिताजी शराब पीते थे, माँ बचपन में मर गई मेरी, फिर मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। अबे तेरी कहानी नहीं बे। अरे किसकी कहानी सुनेगा? अबे इसकी कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है मैं सुनाती हूँ। मैं नागिन करती हूँ और
कॉमेडी शो मैंने बाद में साइन किया, उसके बाद ना दो कॉमेडियंस के साथ मैं काम कर रही थी, उन दोनों ने मुझे कभी लाइंस ही नहीं दी, इसलिए वो दोनों मर गए। मर गए कैसे? सर एक्सप्रेशन दो ना थोड़े से मरने के। नहीं दे सकता, मैं जॉन हूं। इससे पहले कि अभी जॉन हमें मार दे, यहीं पे खत्म करो। जॉन सर कैसा लगा इनका एक्ट? सुपर्ब। कृष्णा जो नकल की तुमने, आई थिंक इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सीरियसली? मैं बाहर मिलूंगा। एक्चुअली सच बताओ तो जो हमारे डायरेक्टर है निशिकांत कामत और ये काफी मिलते जुलते हैं। क्या बात है, पहली बार किसी समझदार बंदे से मिल रहे हैं ये। एक बार जोरदार तालियां कृष्णा, सुदेश और राधा के लिए। कृष्णा भारती ये जो प्रोग्राम है, मैं और मेरी जो पूरी परिवार है, स्पेशली माय मॉम, शी इज अ बिग फैन ऑफ दिस शो। यहाँ पे आप लोग सब लोग को रोस्ट करते हैं यहाँ पे और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग इसे करते हो, ऑनेस्टली सल्यूट टू यू गाइज, यू आर फैंटास्टिक। और बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तो और भी रोस्ट करना चाहिए, हमें और भी मतलब हमारे तो पैंट खींचनी चाहिए इस शो में, क्योंकि उसमें ही मजा आता है। कृष्णा, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। सो बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और एक दिन मैं वैसे आऊंगा यहाँ पे जहाँ पे ये फिल्म का प्रमोशन नहीं हो, और उस टाइम पे मेरी इतनी बजा देना। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू। शरद एंड नूरा प्लीज, इतने चार चांद हमने फाड़े हैं आपकी खिदमत में, तो ऑडियंस इन लोग का भी बनता है कि ये हमारे भी चार चांद लगाएं, है ना भारती? बनता तो है, मौका देना चाहिए। आइए भारती जी, दे दिया मौका। इसमें तो मैं चुप रहूंगा क्योंकि शरद की जो तुम लोग ने, मतलब शरद अभी टाइम आ गया कि वापस भरोसा नहीं, अगली फिल्म में और भी बैंड बजाए मेरे घर में। चलिए अनीता के बारे में कुछ कहो। क्या होता है, हम जब फिल्में करते हैं, आपने बहुत सारी फिल्में की और कई फिल्में चलती नहीं है, तो बहुत बहुत दुख होता है अंदर से, मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन जब मैं अनीता की तरफ देखता हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरा। यार हमारी एक फिल्म नहीं चलती फिर भी, इनकी तो एक भी नहीं चली फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। मेरे जीवन का राज यही है कि मैं हमेशा इनको आदर्श मानता हूँ, हमेशा मोरल ऐसा। सुदेश जी दूध दे सुबह घर पे, इनका मेन धंधा तो वही है, टाइम पास करना है। वैसे यही कहते हैं ना, हां साहब जी दूध। निखिल भाई आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, सुधीर सर, लेकिन आप ज्यादा सुंदर हो सर। शकील भाई काफी हैंडसम भी दिखते हैं, सबसे ज्यादा हैंडसम वही है यहाँ पर, चश्मा तो माशाल्लाह, मतलब मधुमक्खी लग रहे बिल्कुल। अच्छा कुछ बताओ भारती की डांस एबिलिटी के बारे में। अरे हर बार रिपेयरिंग का बिल आता है, बता इस फ्लोर का। शो में है काम नहीं मिला। भाई के सिक्स पैक एब्स हैं यार। अच्छा एब्स हैं, वाओ। कृष्णा वाओ, अरे ये साल बड़ा अच्छा गया था यार, फिर तुम्हारी फिल्म आ गई। कूल सुपर पता नहीं क्या खत्म हो गया सर। क्या कूल है? कूल है सुपर। हम थ्री, कौन सी थी? थ्री है। मैं कहाँ था उसमें? जूनियर आर्टिस्ट, आई थिंक जूनियर आर्टिस्ट था। आई थिंक मैंने नहीं किया वो पिक्चर। अभी अभी पता चलता है, जब झूठा ही सही आशा की बात करते हो। मैंने नहीं किया। एक बार जोर से तालियां। अपनी फिल्म के बारे में तो बताइए। फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई थी और जाके देखिए क्योंकि कल संडे है।
और आप लोगों को मजा आएगा. इट्स अ क्वालिटी फिल्म, अच्छी फिल्म है. इट्स ग्रेट कंटेंट एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग. सो यही मेरी गुजारिश है कि प्लीज वॉच दिस. कृष्णा जी, भारती जी, ऐसे कैसे बाय बाय कर सकते हैं? तो फिर क्या, अब क्या करना? नोरा फतेह ही हो तो परफॉर्मेंस ना, ऐसा हो नहीं सकता. नोरा हमारे लिए एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आई है ना नोरा? ऑफ कोर्स, आपके लिए है ना. तो हम सब बैठ के देखेंगे. आइए सर बैठिए. जी For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.